तो फाइनली आ चुके हैं हम और एक संडे विद सुपर बैटल में, और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो अब शुरू करते हैं, नेमोर वर्सेस मागडी 5। अब आई होप आप सबने वकंडा फॉरएवर देख ली होगी, और देखते से आपको पता चल गया होगा कि नेमोर एक काफी पावरफुल बंदा है। ये अपने स्ट्रेंथ से हेलीकॉप्टर को फेंक देता है, वकंडियन शिप्स जो कि वाइब्रेनियम से बने उन्हें इजिली कट कर देता है, ब्लैक पैंथर के काइनेटिक अटैक्स का भी इस पर असर नहीं होता है, और इस बंदे ने वकंडा पर अटैक करके उन्हीं के क्वीन को मार दिया। ये काफी ज्यादा फास्ट मूव करता है अपने पैरों में लगे विंग्स की वजह से। नेमोर किंग है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पावरफुल तो होना ही है, लेकिन नेमोर की असली स्ट्रेंथ पानी के अंदर है। उसके सिर्फ एक टैप करने से पानी के अंदर शॉकवेव बन गई थी, जिसका मतलब जो नेमोर की असली स्ट्रेंथ है वो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं की है। लेकिन फिर भी नेमोर अभी एक ही मूवी में अपियर हुआ है, और वो ऑलरेडी एमसीयू के टॉप 15 फिजिकल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बन चुका है। इनफैक्ट वकंडियंस ने तो नेमोर को सीधा हल्क से कंपेयर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ देखे तो नेमोर की फाइट आज आयरन मैन के साथ होने वाली है, वो भी मार्केडी 5 के साथ, और ये आर्मर टोनी का बेस्ट और मोस्ट एडवांस सूट था। अगर टोनी स्टार्क इस सूट की मदद से थानोस जैसे उसे फाइट कर सकता है, तो वो नेमोर से भी इजीली लड़ सकता है, क्योंकि नेमोर जब फाइट करता है तब वो काफी ज्यादा अपने स्पीयर और फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है। लेकिन टोनी स्टार्क काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, टोनी जब फाइट करेगा तब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से वो अपने मन मर्जी के वेपन बना सकता है। साथ में अगर टोनी का आर्मर डैमेज हो जाता है तब भी नैनो टेक्नोलॉजी आर्मर को हील कर देगा, और टोनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसगार्डियंस की पावर लेवल को कैलकुलेट कर सकता है। तो फ्राइडो को ऑर्डर्स देकर टोनी अपने एआई के थ्रू नेमोर की बॉडी को स्कैन करके उसके स्पेसिफिक मूव्स और वीकनेस पता कर लेगा। और टोनी के 98% अटैक हीट बेस्ड होते हैं, जैसे रिपल्सर, मिसाइल और यूनिबीम। और क्योंकि टोनी को अब बैटल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और वो नेमोर की बॉडी को स्टडी कर सकता है, इसलिए उसे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि नेमोर की बॉडी मॉइस्चर लूज कर रही है, और ऐसे टोनी को नेमोर की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम समझ जाएगी। अब अगर टोनी नेमोर को पानी से दूर रखता है और फाइट करता है तो फर्क नहीं पड़ता टोनी को प्रिपरेशन टाइम दो या ना दो, वो नेमोर को बीट कर देगा। लेकिन अगर एक्साइटेड होकर टोनी नेमोर के पीछे पानी में चला गया उसे फाइट करने, तो टोनी का लक, स्किल्स और एक्सपीरियंस सब पानी में बह जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता टोनी के पास कितना कूल और हाईली एडवांस आर्मर है, अगर नेमोर को पानी में कोई चैलेंज करता है तो उसका सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि टोनी पानी में नेमोर को बीट नहीं कर सकता, बस टोनी को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन और आर्मर को रेडी करना होगा ताकि डीप वाटर प्रेशर में टोनी सर्वाइव कर पाए। हल्कबस्टर मार्क 1 वर्सेस हल्कबस्टर मार्क 2। अब नाम से ही पता चलता है कि यह दोनों आर्मर हल्क को बीट करने के लिए बने थे, और हल्कबस्टर मार्क 1 ने हल्क को बीट भी कर रखा है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हल्कबस्टर आर्मर पावर लेवल में हल्क के इक्वल या थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्कबस्टर के कई सारे फीचर्स और वेपन्स हमें देखने मिले, लेकिन दूसरी तरफ जिस हल्कबस्टर को हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था वो एक अपग्रेड था, लेकिन ब्रूस बैनर उसे अपने फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाया। टोनी अपने हर आर्मर को बेटर बनाने की कोशिश करता था, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हल्कबस्टर में जो कमी थी वो हल्कबस्टर के अपग्रेडेड वर्जन में नहीं होगी। लेकिन हल्कबस्टर मार्क 2 के ना तो फीचर्स हमें देखने मिले और ना ही कोई वेपन्स, और ना ही हमें दूर दूर तक वेरोनिका जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने मिला, और हल्कबस्टर मार्क 2 आउटराइडर्स के सामने स्ट्रगल कर रहा था। वैसे वो एक आर्मर है तो डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन थ्योरी के बेस पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हल्कबस्टर मार्क 2 एक अपग्रेडेड वर्जन है तो वो बेटर और पावरफुल है। लेकिन ऑन स्क्रीन देखे तो हल्कबस्टर मार्क 1 के फीट ज्यादा बेटर है, इसलिए मेरे ओपिनियन से हल्कबस्टर मार्क 1 में कुछ कमियां होगी, लेकिन फीट वाइज मार्क 2 एक कम्प्लीटली फेलियर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्क 1 ज्यादा बेटर और पावरफुल बन जाता है। अब पावरफुल इसलिए क्योंकि मार्क 1 को टोनी कंट्रोल कर रहा था, और मार्क 2 को ब्रूस, जिसे आर्मर यूज करने का ना के बराबर एक्सपीरियंस है, इसलिए थ्योरी के हिसाब से मार्क 2 ज्यादा बेटर है। फीट वाइज मार्क 1 पावरफुल है, लेकिन अगर टोनी स्टार्क सूट का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है तो फर्क नहीं पड़ता सामने मार्क 1 है या मार्क 2, टोनी जिस आर्मर में होगा उसका जितना पक्का है। वॉर मशीन वर्सेस मिडनाइट एंजल। अब कंपैरिजन के लिए हम इन्फिनिटी वॉर वाले वॉर मशीन को लेने वाले हैं, और जिन्हें नहीं पता होने में बता दूं, शूरी ने बैकअप के नाम पर दो वाइब्रेनियम आर्मर्स बनाए थे जिन्हें मिडनाइट एंजल नाम दिया था। अब मिडनाइट एंजल ऐसे आर्मर है जो एक ह्यूमन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड को बढ़ा देती है, और इसे पहनकर उड़ भी सकते हैं। ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और साथ में इनके पास एक वाइब्रेनियम स्पेयर होता है जो ज्यादा बेटर तरीके से यूज होता है, क्योंकि अब आर्मर की वजह से यूजर की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ चुकी है, और ये एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ये बीम्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इस आर्मर को कुछ अपग्रेड्स मिले। लेकिन वॉर मशीन का जो इन्फिनिटी वॉर वाला आर्मर था वो सेकंड मोस्ट पावरफुल सूट था। पहले पोजीशन पे एंड गेम वाला आर्मर है, लेकिन इस आर्मर को स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं, इसलिए इसके एबिलिटीज के बारे में हमें नहीं पता। बट वॉर मशीन को हमेशा से एक टफ और रॉ सूट रखने की कोशिश की है, इसलिए वॉर मशीन आर्मर में ना तो बोलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने मिलता है, और ना ही कोई नैनो टेक्नोलॉजी या सेल्फ हीलिंग जैसी टेक्नोलॉजी।
वॉर मशीन का बस एक काम है, अपने एनिमीज को फायर आर्म के जरिए मार देना। इस आर्मर में रिपल्सर है, लेकिन रोडे ज्यादातर अपने गन्स और मिसाइल का यूज करता है। साथ में इन्फिनिटी वॉर में हमने देख रखा है कि रोडे अपने आर्मर से कैसे आउटराइडर्स को मार रहा था। अगर वॉर मशीन वकांडा फॉरएवर के फाइनल बैटल में होता तो शायद आधे से ज्यादा टालोकन फाइटर्स को वॉर मशीन ने पेल देता। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्मर ज्यादा अच्छा है। अब देखो, ये दोनों ऐसे आर्मर है जिन्होंने अपने यूजर को फिजिकली स्ट्रॉन्ग और फास्ट बना दिया था, लेकिन मिडनाइट एंजल आर्मर्स को अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले इनकी एनर्जी बीम्स काफी ज्यादा वीक है। नॉर्मली अगर कोई आर्मर एनर्जी बीम शूट कर सकता है तो उसे स्पेयर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मिडनाइट एंजल के साथ उल्टी कहानी है। ये मैक्सिमम टाइम अपने स्पेयर का यूज करती है और एनर्जी बीम सिर्फ एनिमी से डिस्टेंस बनाने के लिए काम आती है। दूसरी ओर वॉर मशीन के रिपल्सर काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ में वॉर मशीन के पास ज्यादा बेटर लॉन्ग रेंज वेपन है। अब मिडनाइट एंजल सूट वाइब्रेनियम से बनाए तो इसे एक एडवांटेज समझो या डिसएडवांटेज, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन वाइब्रेनियम की वजह से ऐसा हो सकता है कि वॉर मशीन के फायर आर्म्स उतने इफेक्टिवली काम ना करे, पर रोडी के पास सोनिक अटैक्स और कुछ इलेक्ट्रिक बेस्ड वेपन्स भी है और ये दोनों चीजें वाइब्रेनियम की वीकनेस है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर इनके फाइट में वॉर मशीन अपने इलेक्ट्रिक बेस्ड वेपन का यूज करता है तो मिडनाइट एंजल की आर्मर कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसलिए इस फाइट में वॉर मशीन को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आखिर में मिडनाइट एंजल का हारना पक्का है। आयरन मैन मार्क 50 वर्सेस शी हल्क। अब इन दोनों को कंपेयर करने से पहले क्वेश्चन आता है, क्या शी हल्क हमारे इनक्रेडिबल हल्क या प्रोफेसर हल्क से ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल नहीं। शी हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, पर उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और देखा जाए तो शी हल्क के फीट्स इतने भी कुछ खास नहीं है। उसने कुछ लोकला सुपर विलन्स को बीट किया है, बट इन सुपर विलन्स का होना ना होना एक ही बात है। शी हल्क फोर्थ वॉल को भी ब्रेक कर सकती है, लेकिन वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती जब तक केविन एक्ट ना करे। लेकिन टोनी स्टार्क ने मार्क 44 मतलब हल्कबस्टर से हल्क को बीट कर दिया था, और मार्क 50 और ज्यादा एडवांस है। नैनोटेक की वजह से इस आर्मर को हल्कबस्टर की जरूरत नहीं है। मार्क 50 इतना ड्यूरेबल आर्मर था कि उसने पावर स्टोन के एनर्जी को सर्वाइव किया है। अब मार्क 44 ने भी बिना किसी हेल्प के हल्क को नॉकआउट कर दिया था, वो भी तब जब हल्क पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था। लेकिन मार्क 50 ज्यादा कैपेबल और एडवांस है। वही शी हल्क हमारे हल्क जितने पावरफुल नहीं है, इसलिए इनकी फाइट में प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन आखिर में जितना मार्क 50 को ही है। और काफी सुपर फैंस बोल रहे थे कि शी हल्क ने हल्क को बीट किया है, तो ये जान लो कि वो एक फ्रेंडली फाइट थी। शांग-ची वर्सेस एंटमैन। अब शांग-ची एक स्किल्ड फाइटर है और साथ में अब उसके पास 10 रिंग्स है, जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस कर सकता है। साथ में 10 रिंग्स को अगर सही से यूज किया जाए तो ये काफी पावरफुल वेपन की तरह काम करता है। इन्हीं रिंग्स की मदद से शांग-ची ने ड्वेलर इन द डार्कनेस को मार दिया था, जो अपने आप में एक वर्चुअल इमोर्टल क्रिएचर था। लेकिन अब भले ही एंटमैन शांग-ची की तरह अच्छे से हैंड टू हैंड बैटल नहीं कर सकता, पर एंटमैन के पास अपना सूट है जिसे वो साइज को मैनिपुलेट कर सकता है। और साथ में अब एंटमैन अकेले ऐसा एवेंजर है हमारे मेन यूनिवर्स में जिसने कैंग से फाइट करके उसे हराया है, इनडायरेक्टली बीट किया है, लेकिन आखिर में जीता एंटमैन ही है। अब एंटमैन जितना दिखाई देता है उतना कमजोर नहीं है। इसने लेवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर रखा है, और साथ में कैंग द कॉन्करर की जो बीम्स दूसरों को डिसइंटीग्रेट कर रही थी, उन बीम्स से एंटमैन को कुछ नहीं हो रहा था। तो अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो विनर कौन बनेगा। अब देखो, शांग-ची स्ट्रॉन्ग जरूर बन गया है, लेकिन उसके जो सेंसेस है वो अभी भी एक ह्यूमन लेवल के है। अब इन दोनों की फाइट होगी तो नॉर्मल सी बात है, एंटमैन को पहले समझ जाएगा कि वो शांग-ची को हैंड टू हैंड बैटल में बीट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साइज को मैनिपुलेट करेगा, और यही से शांग-ची की प्रॉब्लम शुरू होगी। शांग-ची के सेंसेस इतने अच्छे नहीं है कि वो एंटमैन को हर बार सेंस कर ले, और अगर विंड मैनिपुलेशन की वजह से शांग-ची एंटमैन को अपने से दूर रखेगा तो एंटमैन जायंटमैन बनकर अटैक करेगा, लेकिन तब 10 रिंग्स एंटमैन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन एंटमैन अब अपने पास पिम डिस्क रखता है जो अपने एनिमीज का साइज छोटा या बड़ा कर सकती है। अब अगर एंटमैन इन गैजेट्स का यूज करे 10 रिंग्स या शांग-ची पर, तो शांग-ची कुछ नहीं कर सकता। एक बार शांग-ची छोटा हो गया, उसके बाद पिम पार्टिकल से उसे बड़ा कर सकता है। इसलिए एंटमैन को अगर इस बैटल में जीतना है तो उसे अपने फुल पोटेंशियल और सीरियस होकर फाइट करनी होगी, जैसे जब वो केसी को बचाने के लिए कर रहा था। अगर एंटमैन फनी वे में इस फाइट को देखेगा तो शांग-ची बड़ी आसानी से विनर बन जाएगा, लेकिन पिम पार्टिकल्स की वजह से एंटमैन 10 में से 7 बार इस बैटल में विनर बन जाएगा। और एंटमैन के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी यही खत्म होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की संडेवर्स सुपर बैटल कैसे लगी। ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।